तो हम बैठे थे, उस घर की महिला आई दो तीन बच्चों को लेकर के, हमसे कहती बाबा ये सब शैतान है, ये लड़का शैतान हो गया। हम क्या ऐसा मत कहो, तुम माँ हो ना, माँ को कभी भी अपने बच्चे के प्रति इतना अप्रिय अशिष शब्द का प्रयोग नहीं करना। तुम जो कहोगे हो जाएगा ही, तुम्हारी वाणी में शक्ति है, अपने मुंह से तुम कभी शैतान कभी आवारा मत कहा करो। कैसे शैतान हो गया ही, कायदे जर्दा खाता है। इतनी बेहोश महिला थी, समझ सके नहीं कि हम पकड़ा जाएंगे इसमें। हमको बड़ा आश्चर्य लगा, ये छोटा बच्चा जर्दा लाया कहाँ से। हमने पूछा कि छोटा बच्चा जर्दा लाया कहाँ से, तब तो उसकी सरस्वती गुम होने लगी, तब कपार खुजलाते हुए कहती है कि घरे में जर्दा छ। हम ये खाता कौन है, अपने को बचाया। कहता है, कहती है किसी का पप्पा खाता है। हमके तुम खाती हो कि नहीं, तो कहियो कहियो हम हूँ खाई छ। हमके जर्दा खाना ही शैतानियत है, आ तुम दंपति जर्दा खा करके शैतान हो, तो शैतान के द्वारा इंसान कभी पैदा नहीं हो सकता है। कैसे संस्कार बच्चों का बिगाड़ रहे हैं। बच्चा खाया जर्दा तो शैतान हो गया, आ तुम दोनों मिलकर के जर्दा खाए, तुम क्या हो गए वशिष्ठ और अनुरुंधति, तुम क्या हो गए। शैतान होने से माता पिता अपने जीवन को बचा जो उसके बच्चे शैतान नहीं हो। आप चाय नहीं पियोगे, बच्चा कभी चाय का मर्म नहीं जानेगा। आप धूम्रपान नहीं करो, बच्चे धूम्रपान कभी नहीं करेंगे। आप कभी मुंह से गालियां नहीं निकालो, बच्चे कभी गाली प्रशिक्षण कहाँ लेंगे जा करके। आप मांस मछली नहीं भूंजो खाओ, बच्चे मांस मछली का नाम नहीं लेंगे। आप सदाचार शिष्टाचार अभिवादनशील जीवन जियो, बच्चे सब ट्रेंड होते जा रहे हैं। तो मैंने कहा कि जिम्मेदारी लें, कबीरदेव की पंक्ति को याद रखना कि बिगड़ो ना ही बिगाड़ो। माता पिता भाई बहनों, अपने जीवन को बिगड़ने से बचाओ। कोई नशा दुर्व्यसन मांस मछली झूठ गाली निंदा ये सब कुछ मत ग्रहण करो, क्योंकि आपका कर्म आप ही तक सीमित नहीं है, आपका कर्म परिवेश को ही प्रभावित करता है। इसलिए माता पिता से हमारे जीवन का उपक्रम होता है, पारिवारिक परिवेश में जाता है, परिवार के लोग भी सब संभले हुए हैं, सब शाकाहारी हैं, सदाचारी हैं, दुर्व्यसन मुक्त जीवन जीते हैं, साधना परायण जीवन जीते हैं, ईमानदारी की रोटी खाते हैं। पारिवारिक परिवेश से लड़का गुजरते हुए सामाजिक परिवेश, समाज के लोग भी सब जागरूक हैं, शैक्षणिक परिवेश में बच्चे जाते हैं, उस विद्यालय के अध्यापक गण कैसे हैं, केवल खगोल भूगोल का ज्ञान नहीं देते हैं, खगोल भूगोल की शिक्षा के साथ साथ वो चरित्र की भी शिक्षा देते हैं, राष्ट्रीय भावना भी उसके अंदर जगाते हैं, मातृ पितृ भक्ति प्रायणता भी उसके अंदर लाते हैं। अगर ऐसा हमारा शैक्षणिक परिवेश हो जाए, राम जी गए पढ़ने के लिए विद्यालय में, कोई चमत्कार नहीं था, कोई जादू नहीं, गुरुकुल पहले हुआ करता था, वहाँ के अध्यापक को आचार्य कहा जाता था। आचार्य शब्द का अर्थ ही होता है आचरितुम योग्यः आचार्यः, जिसका चिंतन मनन आचरण आचरण करने योग्य हो, अनुकरण करने, उसको हम आचार्य कहते हैं। आचुनौति शास्त्रार्थान, शास्त्रों के रहस्यों को चयन करने की क्षमता जिसके पास हो उसको आचार्य कहते हैं। ऐसे गुरुकुल में राम जी पढ़ने गए, जहाँ के आचार्य लोग, जहाँ के शिक्षक गुरुजन लोग खगोल भूगोल की शिक्षा तो देते थे, सुबह शाम ध्यान साधना की बात भी सिखाते थे, मातृ पितृ भक्ति भावना को भी जागृत करते थे। जिस देश की धरती पर जन्म लिए हो, खेले हो, खाए हो, पढ़े हो, लिखे हो, आरक्षण लेकर के समग्र विकास कर रहे हो, उस देश की अखंडता स्वाधीनता उसके बाह्य अभ्यंतर शक्ति को अक्षुण बनाए रखना, ये राष्ट्रीय भावना भी विद्यालयंते वासी छात्रों के अंदर उद्घाटित करते हैं गुरुजन। मातृ पितृ भक्ति भावना जगाते हैं, इस समाज के बीच तुमने जन्म लिया है, समाज के सहयोग से आगे बढ़ा है, इस समाज के लिए भी तुमको जीना है। इस तरह से थोड़े दिन राम जी रहे गुरुकुलों में, आ गुरुगृह ही गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। शैक्षणिक परिवेश में 75% हमारा जीवन सही हो जाता है, उसके बाद हम अध्यात्म परिवेश में आते हैं। यहाँ के जो अध्यापक गुरुजन हैं,
सही अध्यात्म बोध उनको है। अयम आत्मा ब्रह्मा, ब्रह्म के नाम पर उलझाते नहीं हैं, उससे भिन्न जड़ तत्ता है। जड़ चेतन नहीं है, चेतन जड़ नहीं है। जड़ चेतन, जड़ अपने गुण धर्म से अलग है, अचेतन अपने गुण धर्म से अलग है। न जड़ का कारण चेतन हो सकता है, न चेतन का कारण जड़ हो सकता है। इसलिए जड़ चेतनात्मक जगत अनादि अनंत है, न इसका कभी सर्जन होता है न कभी विसर्जन होता है। भगवान कृष्ण ने कहा था कि अर्जुन, न त्वे वाहंग जातो नाशम, चिंता मत करना, ऐसा कभी का समय नहीं था जब प्रकारांतर से हम तुम इमे जनाधिपाह, हम तुम ये राजा लोग नहीं थे। ऐसा कोई समय नहीं आएगा जब हम तुम ये राजा लोग नहीं रहेंगे, थे हैं और रहेंगे। ये अस्तित्व तीनों काल में रहेगा। ये सही बोध दें, भटकाएं नहीं लोगों को। ये सही बोध दें कि आत्मा ही ब्रह्म है। आत्मा को तुमको ऊपर नीचे बाहर भीतर झांकना नहीं है। सारे विकारों को छोड़ करके, कलमश को छोड़ करके स्वतत्व का अनुसंधान करो, आध्यात्मिक अनुसंधान करो। इस तरह से अध्यात्म परिवेश में जाकर के हमारा जीवन पूर्ण विकास कर जाता है। जड़ चेतन का सही बोध हो जाता है। जड़ जगत से अलग हट करके चेतन मंडल में प्रतिष्ठित होकर के हम अपने जीवन की आध्यात्मिक प्रगति कर लेते हैं। आइए, मैंने कहा कि हमारे जीवन का क्रमिक विकास, हमारा जीवन का उपक्रम होता है माता पिता से। सबसे पहली जिम्मेदारी सदगुरु कबीर देव ने सो की, बिगड़ो ना ही बिगाड़ो। माता पिता, तुम अपने जीवन में बिगाड़ लाए हो तो तुम्हारे जीवन तक वो बिगाड़ की क्रिया सीमित नहीं रहेगी। तुम्हारे बच्चे बिगड़ेंगे, तुम्हारा परिवेश बिगड़ेगा। इसलिए बिगड़ो ना ही बिगाड़ो। आदमी बिगड़ता है, दूसरे को बिगाड़ देता है। सामाजिक परिवेश में समाज बिगड़ता है, समाज में रहने वाले लोगों को बिगाड़ देता है। शिक्षक लोग भी बिगड़ते हैं, छात्रों को बिगाड़ देते हैं। हम साधु संत हैं, हमारे ज्ञान भी अधकचरे हैं। हम भी अव्यवस्थित ज्ञान दे करके लोगों के दिल दिमाग को अव्यवस्थित कर देते हैं। अगर पूर्ण व्यवस्था समाज की चाहते हो तो माता पिता अपने दायित्व को समझो, परिवार के लोग अपने दायित्व को समझो, समाज का एक एक व्यक्ति अपने दायित्व को समझे, अध्यापक गुरुजन अपने नैतिक दायित्व को समझें, और साधु संत भी अपने नैतिक दायित्व को समझें। माता प्रजा के परिवेश से गुजरता हुआ, पारिवारिक सामाजिक शैक्षणिक परिवेश से गुजरता हुआ अध्यात्म धरातल पर जाकर के हमारा जीवन पूर्ण हो जाता है। इसलिए मैंने कहा कि आदमी भिन्न भिन्न अवस्था और परिस्थिति में जीता है, और उस परिस्थिति और अवस्था के जो निर्धारित नियम परिनियम हैं वही धर्म है। उसके पालन करने से व्यक्ति की मर्यादा सुरक्षित रहती है और समाज में सुव्यवस्था आती है। अगर व्यक्ति उस नियम का पालन नहीं करे तो व्यक्ति की मर्यादा गिर जाएगी और समाज की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। इससे सभी लोग अपनी अवस्था और परिस्थिति के नियमों को समझें संघ स्वाध्याय के द्वारा, और उन नियमों को आत्मसात करें, उसी पर अटल रूप से चलने का प्रयास करें। आपकी मर्यादा रहेगी, माता पिता की मर्यादा रहेगी, परिवार के एक एक सदस्य की मर्यादा रहेगी, समाज के एक एक लोगों की मर्यादा रहेगी, देश की मर्यादा होगी, सारे सुव्यवस्थाएँ यहाँ आ जाएंगी। बिगड़ो ना ही बिगाड़ो। सदगुरु कबीर संविधान का एक सूत्र पर थोड़ी चर्चा करके जिन लोगों ने संकल्प लिया, कृष्णदेव बाबू बार बार फोन पर चर्चा करते रहते कि कितना कार्यक्रम विकास कर रहा है। कई लोग मिल करके हमारे पास गए थे कार्यक्रम लेने, और यह भी प्रयास लोगों का था कि संत प्रवर श्री अभिलाष साहब जी इस बार कन्हैली के मंच पर आवें, कार्यक्रम में आएं। ये प्रस्ताव कृष्णदेव बाबू ने मेरे पास रखा। उनकी क्या बात है, होना चाहिए। संजोग अच्छा नहीं बना। को जाने तो कदा कश्च मृत्युकालो भविष्यति, कोई नहीं जानता है कि कब किसकी मृत्यु कहाँ घटित हो जाएगी।